हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारू लद्दाख एंड स्वागत है आप सभी का डे 15 के व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे 11 और अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ से निकलने का प्लान तो है मनाली, पर गारंटेड मनाली नहीं पहुँच सकते, तो ट्राई करेंगे कि जिस्पा तक पहुँच जाए। जिस्पा यहाँ से 300 किलोमीटर समथिंग कुछ तो है, तो वहाँ तक पहुँचने की ट्राई करेंगे। और बीच में ही हमें तांगलांगला पास लगेगा, वो भी 17,000 फीट एल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी हमारी हालत ख़राब हो सकती है। पर कोई बात नहीं कि हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे तो ऑलमोस्ट दोपहर तक हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा हमें ठंडी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो एक अच्छी बात है। कल जो हम लोगों ने गलती की वो आज नहीं करनी है, क्योंकि कल 7:30 या 7 बजे के आसपास हम लोग चांगला पास पे थे, तो शाम में इतनी ठंड वहाँ पे पड़ी थी, मैंने आपको बताया कि -1 टेम्परेचर वहाँ पे गया था। तो अभी यहाँ पे ऐसा सीन है कि मेरे बाइक का ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लीक हो गया था, तो अभी मैंने 1 लीटर यहाँ से ऑयल कैरी किया है, अभी थोड़ा सा टॉपअप कर दिया है मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली तक मैं जैसे तैसे बाइक चलाऊँगा टॉपअप करते करते, और दिल्ली में एक दिन का स्टे करके पूरी बाइक जो है, जो भी रिमेनिंग काम है वो सब कर दूंगा। तो ऐसा सब कुछ अभी प्लान किया है कि यहाँ से निकलने के लिए। तो इतने दिन बाद यहाँ पे हमें आने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे रात का टेम्परेचर था 11 डिग्री, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो आपने पीछे देखा होगा 1-2 डिग्री में हम लोग रह रहे थे, सभी की हालत बुरी हो रखी थी। तो अभी यहाँ से प्लान है निकलने का, अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बाइक में एक्चुअली ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है मेरे बाइक का, तो यहाँ से अभी निकलते हैं और आपको मैं आगे मिलता हूँ। तो फाइनली निकल चुके हैं कारू से, अभी दोपहर के बज रहे ऑलमोस्ट 12:30, हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि बाइक भी रिफ़िल करनी थी और सुबह में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आ गए, जैसे कि मुझे ऑयल रिफ़िल करना पड़ा। तो अभी निकल चुके हैं, पेट्रोल भी भरा दिया है, बाइक भी फुल, पीछे का 10 लीटर वो भी फुल। अभी ये लास्ट टाइम है कि पेट्रोल कैरी करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट पेट्रोल पम्प है 350 किलोमीटर आई गेस, और वो है टंडी में, मतलब जिस्पा 300 है उसके और 50-60 किलोमीटर आगे टंडी, और वहाँ पे है नेक्स्ट पेट्रोल पंप, और उसके भी शायद 70-80 या 100 किलोमीटर आगे मनाली। ये देखिए, मनाली है यहाँ से 440 किलोमीटर, पर वो नहीं कवर हो पाएगा क्योंकि बहुत घाट है इस रोड पे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अभी तक पसंद आ रही हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ओपन कीजिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पर कहीं तो आ रहा होगा इंस्टाग्राम का आईडी, वो जाके भी फॉलो कर दीजिए। तो आपने अभी तक मेरा डे 14 का व्लॉग नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक आ रहा होगा, वो भी जाके देख लीजिए। पेंगोंग से कारू पहुँचते हम सब की वाटी लग गई थी, तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिए एक बार। अभी ये सीन भी आप एक बार देख लीजिए, कैसे रोड के बाजू से एकदम मस्त छोटी सी नदी टाइप बह रही है, ये सीनरी सिर्फ यहीं पे देखने मिलेगी। और अभी हम लोग ये सभी मोह माया छोड़ के जा रहे हैं वापस अपने घर, क्योंकि मनाली के बाद ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से लेंगे राइट, मनाली तांगलांगला है यहाँ से 51 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट अगर रोड अच्छा रहा तो 1 घंटा। अभी साहिल को मैंने बोला है कि मेरे पीछे ही रह करके, क्योंकि अभी यहाँ से गारंटेड चढ़ाई शुरू होगी, तो मुझे शायद मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। और आज हम लोग 5 ही लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वरुण की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मतलब बुखार वगैरह नहीं था, उसको खांसी ज़्यादा हो रही थी और उसका गला थोड़ा सा दुख रहा था। तो हम लोग जब निकल रहे थे तब उसने बोला कि अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर फिर भी मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पे एक दिन रह रहा हूँ और कल सुबह सुबह जल्दी निकल के मनाली जाऊँगा। तो उसने बोला कि तुम लोग निकल जाओ करके, ना ज़्यादा कुछ इमरजेंसी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग भी निकल गए। और कल रात को टेम्परेचर देखा था मैंने जिस्पा का, तो वहाँ पे रात के टाइम -3 भी जा रहा है, मतलब हम लोग की क्या हालत होने वाली है जिस्पा पहुँचने के बाद, भगवान ही जाने। देखते हैं 8-10 घंटे में वो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा हमें।
थोड़ी सी नज़र तेज़ रखनी होगी, क्योंकि ये देखिए इस तरह के बहुत खड्डे आ रहे हैं रोड पे। और अगर एक हाथ खड्डे में आ गए आप तो रिम बिम भी बेंड हो सकती है आपकी। कार वालों को तो चल जाता है, निकल जाती है जैसे तैसे, पर बाइक्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मामला। खड्डे देखिए, देखिए शायद काम चल रहा है क्योंकि ये अंदर से वो साफ किए हैं, साफ तो करके रखे हैं, पर अभी उसमें काम कब होगा वो पता नहीं। तो अभी मैं आगे निकल चुका हूँ और हमारे बाकी के राइडर्स चारों लोग पीछे आ रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ से कंटिन्यूसली 30 किलोमीटर चढ़ाई है। ये देखिए कांगलांगला पास 29 किलोमीटर, तो मतलब 29 किलोमीटर कंटिन्यूसली चढ़ाई है। तो शायद अभी हम लोग हैं 13 से 14,000 फीट एल्टीट्यूड पे और जाना है 17,000 कुछ तो फीट एल्टीट्यूड पे, मतलब कंटिन्यू 4,000 फीट ऊपर चढ़ते जाना है। तो अभी जैसे तैसे मैनेज हो रहा है, पर मुझे ये ऊपर वाली चढ़ान दिख रही है बहुत ही स्टीफ दिख रही है। अभी देखते कैसे मैनेज होता है वहाँ पे, फर्स्ट गियर पे चढ़ जाती है तो ठीक। ओके चढ़ रही है। और अभी मेरे ख्याल से हम लोग 16,000 फीट एल्टीट्यूड पे आ चुके होंगे, क्योंकि ठंड एकदम से बढ़ चुकी है, हाथ ऑलमोस्ट जमना शुरू हो चुके हैं। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है तांगलांगला पास के लिए। अभी मुझे लग रहा है कि कहीं भी तो रुका के रेनकोट भी पहनना होगा और वुलन वाले ग्लव्स भी पहनने होंगे, और ऊपर से धूप भी पड़ी है पर धूप का कोई भी असर नहीं हो रहा है बॉडी पे, सिर्फ ठंड का असर हो रहा है। जल्द से जल्द ये तांगलांगला पास हो जाए फिर हम सबके लिए अच्छा रहेगा। अभी कुछ लिखा भी नहीं है माइलस्टोन पे कि तांगलांगला और कितनी दूर पे है, चलाए जा रहे बस। और अभी आप सामने नज़ारा देख सकते हो कि आइस के फिर से हम कितने करीब आ चुके हैं, वो मुझे वहाँ पे रास्ता दिख रहा है आइस के बीचों बीच से जाता हुआ। सामने देखिए कैसा आइस लगा हुआ है पहाड़ पर और पूरा मेला हुआ है। ये देखिए मेल्ट हो रहा है यहाँ पे, उसी का पानी है। ये देखिए कैसा स्नो है और ये सब अभी मेल्ट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी समर शुरू होने वाला है, तो इसी वजह से ये सब स्नो का पानी यहाँ पे मेल्ट होने के बाद आपको दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे रुक के रेनकोट पहन लेता हूँ और वूलन ग्लव्स पहन लेता हूँ। ये देखिए कैसा स्नो हो चुका है यहाँ पे। अरे चढ़ जा, अभी थोड़ा सा ही बाकी है। अरे रे रे रे, स्लश देखिए कितना बेकार है यहाँ पे। देखिए बर्फ, और ये जो ऊपर दिख रही है मेरे ख्याल से ताज़ी स्नो है, क्योंकि मैंने सुना था कि 2 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है।
सामने देख पा रहा हूँ मैं शायद तांगलांगला पास, जो कि है वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। हम लोग पहुँच चुके हैं तांगलांगला पास। यू हैव रीच्ड तांगलांगला पास। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ तांगलांगला पास, जो कि है 17,582 फीट एल्टीट्यूड पे। आप यहाँ पे देख सकते हो तांगलांगला पास। बाइक यहाँ पे पार्क की है फोटो के लिए, और यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि सच में ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पे। तो अब यहाँ से निकलते हैं और नीचे की ओर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं तांगलांगला पास से नीचे। तो दोपहर का खाना खाने के लिए हम लोग इस कैफ़े में रुके थे। ये अंकल आंटी है दोनों, ये यहाँ पे कैफ़े संभालते हैं। और अभी निकल चुके हम लोग वापस। ये देखिए कैसी छोटी सी है, छोटे छोटे बेचारे। इसके ऊपर बैग लटकाया हुआ है। तो बहुत टाइम के बाद ये डाउन हिल शुरू हो चुका है। नहीं तो जहाँ पर हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए, वहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू चढ़ाई थी। भले एकदम धीरे धीरे थी पर कंटिन्यूसली चढ़ाई थी। तो ये है पांग विलेज, और पांग विलेज का एल्टीट्यूड है 15,400 फीट। वहाँ पर ब्रिज देखो, खतरनाक एकदम। ये सामने देखिए कैसा एक पहाड़ का पत्थर है, या पूरा पहाड़ है, कुछ अलग ही शेप में है। ये मनाली जाता है ना रास्ता? कैसा, ऐसा ही खराब है ये क्या? 10 किलोमीटर खराब? 50? बाप रे। अच्छा अच्छा, मतलब आज जो हालत होने वाली है हमारी बहुत ही बेकार। क्या रास्ता है यार। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रोड्स चल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। बाइक बिचारी जैसे तैसे चढ़ रही है। एक हैंडी ये खतरनाक है। ऊपर से लैंडस्लाइड होने की बहुत ही संभावना है। और अभी मैं फिर से बोल सकता हूँ कि मैं बहुत एल्टीट्यूड ऊपर आ चुका हूँ वापस, क्योंकि ठंड बढ़ना चालू हो चुकी है। मतलब पीछे से ही अचानक एकदम ठंड बढ़ रही है। और अभी आप नीचे देख सकते हो, नीचे बर्फ़ जम चुकी है और धीरे धीरे पिघल भी रही है, क्योंकि अंदर से पानी भी बह रहा है, पर दोनों साइड बर्फ़ भी जम चुकी है। अभी बहुत ठंडी हो रही है यहाँ पे। मैं वापस आगे की राइड शुरू करता हूँ। तो ये देखिए माउंटेन के कैसे टॉप पे सूरज की शाम वाली रोशनी पड़ी है। वहाँ पे देखिए कैसा सीन दिख रहा है ऊपर में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। एकदम सब ऑरेंज ऑरेंज हो गया ऊपर। वो जो स्नो पड़ा है वो भी ऑरेंज दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या वेदर लग रहा है सामने। Thank you.
शाबाश शाबाश। अभी देखिए सामने कैसा सब ऑरेंज हो रखा है सूरज की रोशनी की वजह से। कब आएगा ये सरचू? अभी भी 55 किलोमीटर बाकी है। तो ये है लाचुंगला पास, एल्टीट्यूड है 16,616 फीट। देख सकते हो मैं यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि अकेला हूँ यहाँ पे। अगर कुछ हो गया तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है, तो उससे अच्छा निकल जाते। इससे भी बड़े बड़े पासेस हमने पार किए हैं, तो ये तो छोटा ही है। तो हमारे राइडर्स यहाँ पे रुके हैं, ब्रेक लिया है इस समर डिलाइट रेस्टोरेंट में। यहाँ पे थोड़ी देर बॉडी को हीट अप करते हैं। सो हेलो गाइस, अभी रात के बज रहे 11 और हम लोग अभी है सरचू में। और आपको झूठ लगेगा पर यहाँ का टेम्परेचर अभी है -1, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो यही से छोटे छोटे कैफेज है यहाँ पे। यहाँ पे हमने पर पर्सन 200 रुपीज दिया है कल सुबह तक के लिए, सिर्फ सोने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो खाने के लिए हमने मैगी वगैरह खाई और अभी मैं वीडियो एडिट करने के लिए बाहर आया हूँ। पर बाहर इतनी ठंड है आपको बता नहीं सकता, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है अभी। तो बाइक सारी यहाँ पे पार्क की है हम लोगों ने, वो मेरी बाइक है और बाकी की यहाँ पे है। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या क्या हुआ वो सब मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है बताने के लिए। तो इस डे 15 के वीडियो को यही पे एंड कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल के सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि अगर मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आपने मेरा डे 14 का व्लॉग नहीं देखा होगा तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, वो भी मिल जाएगा। तो इस डे 15 के वीडियो को यही पे एंड करते हुए मिलते हैं डे 16 के वीडियो में। अंटिल देन कीप राइडिंग, स्टे सेफ।